किसी ने दीक्षा नहीं लिए है तो कौन सा नाम करेंगे, कौन सा नाम उत्तम है। अब गुरुकरण हुआ नहीं है, मन में वैराग आ गया, उदासीनता आ गई है, भगवत प्राप्ति के लिए उनके मन में बहुत इच्छा जागृति हुई है पूर्व संस्कार वश, तो उसको क्या करना चाहिए, ये भी प्रश्न है ना। तो हमारे पद्म पुराण में इसका समाधान किए हैं, जो भगवान के जितने नाम है उसके नाम उस सबसे उत्तम नाम है राधा नाम। राधा नाम करने से बोलते हैं समस्त पाप ऑटोमेटिक विनष्ट नष्ट हो जाता है, हैं? और स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा नाम जो रटते हैं उनके पीछे पीछे घूमते हैं उनके कृपा करने के लिए, हैं? भगवान उसको बहुत प्रिय मानते हैं, बोलते हमारे राधा रानी के नाम जो ग्रहण करते हैं मैं बिना साधना से मैं उसके पीछे पीछे डोलता हूँ कृपा करने के लिए, हैं? बोले और राधा नाम ग्रहण और क्या उपाय है, ये कलिहतो कलिकल्मषो संसार से मुक्त होने के लिए, बोलता है राधा रानी के शरणागत होकर के जो राधा नाम रटते हैं, हे राधा रानी हम तुम्हारे शरणागत हैं, तुम हमको रक्षा करो, तुम हमको रक्षा करो, हम तुम्हारे शरणागत हैं, हम तुम्हारे हैं, तुम हमको स्वीकार करो, तुम हमको अंगीकार करो, हे राधा रानी हमारे और कोई गति नहीं, हम तुम्हारे शरणागत हैं। तो भगवान कहते उसको मैं सर्वसिद्धि प्रदान करता हूँ, उसको संसार चक्र से मैं मुक्त करके नित्य धाम में ले जाता हूँ, ऐसा पद्म पुराण कहते हैं। राधा नाम की श्रेष्ठता सर्वोपरि प्रदान करते हैं, ऐसे भी तो भगवान के अनंत स्वरूप है, भगवान सब है, भगवान एक है और अद्वितीय है, राम कृष्ण नारायण शिव आदि सब एक ही है, दस भगवान दस नहीं है, कोई राम उपासना कर रहे हैं, कोई नारायण उपासना कर रहे हैं, कोई कृष्ण उपासना कर रहे हैं, तो क्या भगवान का अलग अलग है, भगवान एक ही है, नाम अलग रूप अलग, अनंत नाम अनंत रूप अनंत लीला अनंत कुश। तो कौन सा स्वरूप सबसे सरल सहज सुगम सरस, ऐसे कौन सा भगवान किनकी आश्रय लेने से हम बहुत सरल उपाय से परम मंगल साधन करने में समर्थ हो सकते हैं, ऐसे कौन सा उपासना पद्धति। तो कहते हैं सभी भगवान के स्वरूप है, राम कृष्ण नारायण आदि सब भगवान है, लेकिन ज्यादा सबसे करुणा हमारे राधा रानी में, राधा रानी के स्वरूप में है, देवी कृष्णमयी राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सन्मोहिनी परा, देवी कृष्णमयी राधा रानी पर देवता हमारे सबसे बड़े है, सर्वलक्ष्मीमयी समस्त अनंत वैकुंठेश्वरी लक्ष्मी जो है उनकी ईश्वरी है, समस्त लक्ष्मी है राधा रानी के अंश कला, सर्व कांति जितना सुंदरता है समस्त सुंदरता के मूलाश्रय, सन्मोहिनी इतनी सन्मोहिनी शक्ति है कि भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन सच्चिदानंद भगवान कृष्ण को भी वशीभूत करने में समर्थ है, ऐसे है राधा रानी, सर्व सन्मोहिनी सबको सम्मोहन करने में समर्थ है। परा परा शब्द में सबसे बड़े है, इसके बाद और कुछ है नहीं है। तो ऐसे राधा रानी करुणामयी है, राधा रानी के शरण में जो जाते हैं है। तो राधा रानी सर्व सामर्थ्यमयी सर्व मंगलमयी करुणामयी दयामयी, तो ऐसे करुणामयी है जो वो उसको समस्त कृपा शक्ति के द्वारा उसको संसार सागर से मुक्त करा करके अपने चरण कमल प्रदान करते हैं, ये राधा रानी की विशेष महिमा है, ऐसे पद्म पुराण कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, जो है हमारे शब्द है, पद्म पुराण ऐसा कहे। तो राधा नाम सर्वोपरि बताया गया है, राधा नाम। और जो गुरु
श्रीमुख से जो प्राप्त मंत्र किए हैं वो तो अलग है, वो तो उनके लिए गुरु मंत्र सर्वश्रेष्ठ है, गुरु मार्ग प्रदर्शित मार्ग उनके लिए सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। और जो ऐसे नहीं गुरु पदाश्रय होने का ऐसा कोई मौका मिला नहीं है, उसके लिए राधा नाम रटना, राधा रानी के चरणाश्रय लेना, ये सरल सहज सुगम सरस उपासना। जय राधा रानी। चिंतन में असमर्थ साधक, अगर अपने जो सदगुरु भगवान के मुख चिंतन करे तो ऐसा संभव ना है क्या वही रूप चिंतन उसको लीला चिंतन में? हाँ, गुरु गुरु तो भगवान है, साक्षात भगवान है, गुरु तो कोई मनुष्य नहीं है, और गुरु है सर्वोपरि, गुरु तत्व एकदम अंतिम तत्व जिसका परे और कोई तत्व नहीं है। राम के गुरु, श्याम के गुरु, जितना अवतार आते हैं सब गुरुकरण करते हैं, सबके गुरु है, गुरु है सर्वोपरि, सर्वव्यापक, समष्टि गुरु। इसीलिए गुरु गुरु चरण चिंतन करना, गुरु स्वरूप चिंतन करना, जिसके द्वारा और कोई ध्यान धारणा होता नहीं है, ये उत्तम उपासना, बहुत सरल उपासना। विश्वास रख करके, भरोसा रख करके, अगर गुरु चरण में समर्पित हो करके गुरु का ही चिंतन करते, ये तो बहुत ही सौभाग्यशाली, ये तो शास्त्र ऐसे कहती है। मतलब भगवत चरण में निष्ठा तो हो जाती है, भगवत चरण में निष्ठा भक्ति होना सरल है, लेकिन गुरु चरण में एक निष्ठ होता, ये बहुत दुर्लभ है, ऐसा कहें।